नमस्कार दोस्तों, प्रियस क्रिएटिव कॉर्नर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो मेरे फ्रिज से रिलेटेड है कि किस तरीके से मैं अपने छोटे से फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ, किस तरीके से मैं बहुत सारा सामान इसके अंदर फिट करके रख सकती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को यही बोलूंगी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अपने अपनी जरूरत के हिसाब से सबके घरों में आप फ्रिज देखोगे, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो क्या है कि आप मेरा हाइट देखकर मेरे फ्रिज के हाइट का अंदाजा आराम से लगा सकते हो कि ये कितना छोटा है। और दोस्तों, पता है कि ये इतना पुराना भी नहीं है। आई थिंक 4 साल इसे हो गए, मैंने 4 साल पहले ही इसे परचेज किया। टच वुड दोस्तों, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। बस यही है कि अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे, प्रॉपर क्लीनिंग करोगे, रूटीन वाइज इसे अच्छे से जो भी आपका सामान है रोटेट करते रहोगे, तो इसका खींच के तो आराम से 10 से 12 साल ये चल जाता है। इसकी लाइफ इतनी तो है ही मेरे ख्याल से दोस्तों। और सबसे बेस्ट एडवांटेज इस फ्रिज का, मतलब क्या बोलूं, इस हाइट के फ्रिज का ये हो जाता है दोस्तों कि एक तो ये लो मेंटेनेंस है, दूसरा ये है कि मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा महंगा नहीं है। आप अपने जरूरत के हिसाब से हर एक सामान इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। काफी एडजस्टेबल है, काफी कंपैटिबल है ये, और आई थिंक मिडिल क्लास फैमिली के लिए फ्रेंडली बहुत ही अच्छा है। और आप देखोगे कि 50% जितने भी बैचलर्स हैं उनके घरों में आप देखोगे कि इस तरीके का फ्रिज रहता है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों से यही वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने फ्रिज को अच्छा रख सकते हो दोस्तों, किस तरीके से आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज बहुत ही सुंदर तरीके से कर सकते हो और भरपूर सामान इसके अंदर फिट कर सकते हो। तो यही आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, फ्रिज टूर देने से पहले मैं वो स्विच बंद कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा मुझे आप लोगों को फ्रिज टूर करवाना है और एनर्जी वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे फ्रिज का ऊपर का पार्ट है, तो बहुत ही सिंपल रखा है मैंने ज्यादा इसमें कुछ तामझाम नहीं किया है। और क्या है ना कि मैं बिलीव करती हूँ कि हर 2 या 3 दिन में मुझे लगता है कि फ्रिज के ऊपर का जो व्यू होता है उसे चेंज करना चाहिए। थोड़ा अपने को भी और अपने आंखों को भी बहुत ही अच्छा रिलैक्स फीलिंग होता है। और क्या है ना कि ये देखिए, ये DIY आप लोग देख चुके हो पहले, जो मैंने रोज बनाए थे, ये इस तरीके का दिखता है। ये देखिए, तो जितने भी गेस्ट आते थे उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलो, मैंने बोला कि इसे मैं यहाँ रख लेती हूँ। ये ग्लास है, ये देखिए इस तरीके का ग्लास है। तो यहाँ मैं अपने डॉटर के लिए कुछ पेंसिल, अपने लिए कुछ पेन रखा है मैंने, रबर रखा है उसका। और क्या होता है कि ये सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट चीजें हैं, कभी भी अपने को पेन की जरूरत पड़ती है तो खोजना पड़ता है। ये मुझे पता है, ये बेसिक क्या हो ना, ह्यूमन नेचर होता है कि कहीं पे भी अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो तो वो तुरंत मिल जाता है। इधर उधर अगर रहता है ना तो चीजें मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और ये है फ्रूट बास्केट। तो पिछली फ्राइडे मंडी लगी थी दोस्तों, तो वही मैं लेकर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से फ्रूट्स ऑर्गेनाइज करके रखने का, कि और इस तरीके का बास्केट, मुझे डिजाइनर बास्केट बहुत ज्यादा पसंद है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये देखिए, ये मैंने बस एप्पल्स रखे हैं और एक पोमीग्रेनेट है, अनार है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं रखती हूँ। तो मैं बेसिकली ये सोचती हूँ कि ये फ्रिज मेरे लिविंग रूम में है, तो मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो किस तरीके से मैं इसे और ज्यादा खूबसूरत और सिंपल रखूं। तो बस ये मेरा ऊपर का पार्ट था फ्रिज का। और देखिए, अब मैं फ्रंट आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये मेरा जोन नहीं है दोस्तों, ये मेरी डॉटर का एरिया है। अगर मैं इसमें हल्का सा भी कुछ छेड़ती हूँ तो वो आंखें चिल्लाने लगती है, इसलिए मैं इसे एज इट इज छोड़ दिया। आपको देखने में भी थोड़ा बुरा लग रहा होगा, ABCD पता नहीं, वो पढ़ते रहती है तो अपना आके, ये मैग्नेटिक है, ये देखिए ये मैग्नेटिक है, तो इस तरीके से वो अपना जो भी चीज है अपना आइडेंटिफाई करती है। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को अंदर दिखाती हूँ भरपूर सामान मैंने किस तरीके से फ्रिज के अंदर रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को ये डोर का कैबिनेट दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ज्यादा नहीं है, 3 ही इसमें शेल्फ बने हुए हैं। ये फर्स्ट है,
ये नीचे का आप देख सकते हो, ये सेकंड है, ये लास्ट है, थर्ड है, और ये छोटू सा दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका बस छोटा सा है। तो मैं पहले की तरफ अभी मुड़ती हूँ, ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस तरीके से देखिए दोस्तों अरेंज करके रखा हुआ है। क्या क्या रखा हुआ है आप खुद देख सकते हो। ये कुछ मसाला है जो अभी फिलहाल के लिए मैं यूज नहीं करती हूँ, तो मैं इस तरीके से मैंने रख दिया है। ये क्या बोलती हूँ, ये कुछ, ये भी है शायद कलौंजी वगैरह है पराठा वगैरह बनाने के लिए, तो यहाँ भी यूज नहीं हो रहा तो मैंने यहाँ रख दिया है। ये गर्मी में मैं लेकर आई थी, ये देखिए आम पन्ना, आई थिंक आप लोग सब लोग फेमिलियर हो गए इससे। ये देखिए ये आम पन्ना है, तो इसे भी मैंने इस तरीके से रख दिया है। ये फ्रंट पार्ट हो गया, और ये कुछ जैसे ये क्या बोलती हूँ पिज्जा सीजनिंग है, ये देखिए ये यहाँ पे रखा हुआ आपका पानी पूरी मसाला, यहाँ रखा हुआ आपका ये क्या है मिक्स्ड हर्ब्स है, और इसके पीछे मैंने ये देखिए ये क्या है आई थिंक चाट मसाला कुछ रखा हुआ है, यहाँ पाव भाजी मसाला रखा हुआ, ये है डेसिकेटेड कोकोनट, ये देखिए पहले मैं ये दिखा दूं आप लोगों को, ये है दोस्तों जैसे मैकडी वगैरह कभी चले गए तो वहां जो भी चीजें मिलती है ना, अब आप बोलोगे कि मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं सीरियसली मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ इसे। और इस तरीके से जो भी आपकी कुकीज, ये बेसिकली आई थिंक कुकी का प्लास्टिक है, तो मैंने इसे फेंका नहीं है, डिस्पोज नहीं किया है मैंने इसे, तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से देखिए यहाँ फिट हो जाता है, तो मैंने ये रख लिया है यहाँ। और ये इस वाले डब्बे पे मैंने आई थिंक सब्जी मसाला रखा हुआ है, तो यहाँ जितने भी मसाले रखे हैं ना वो फिलहाल के लिए यूज नहीं होता है, वो बहुत ही मतलब रेयर केस में मुझे फ्रीक्वेंटली मैं यूज नहीं करती हूँ, बहुत कम ही यूज होता है, इसलिए इस तरीके से मैंने यहाँ रख दिया है। ये देखिए बेकिंग सोडा, कभी केक वगैरह बनाना पड़े, वैसे मैं बेकिंग बहुत ही कम करती हूँ तो इसलिए मैंने फ्रिज में रखा है। और यहाँ है, हाँ यहाँ है आई थिंक कोकम, हाँ जी कोकम है जो गर्मी के दिन में यूज होता है, तो इसे भी मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो ये सब खराब नहीं होते हैं, जल्दी नहीं होते खराब, तो फ्रिज में अगर आप रखोगे ना तो जो भी सामान है वो आराम से एक्सपायरी तक तो चली जाती है, वरना अगर आप बाहर रखोगे जो चीज यूज नहीं हो रहा है इसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। अब मैं बढ़ती हूँ ये छोटे से सेकंड वाले शेल्फ के तरफ, ये देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब मेरी डॉटर का सामान रखा हुआ है, यहाँ पे कोको अमूल्स बटरी स्प्रेड है, ये है कस्टर्ड पाउडर, तो ये सब गर्मी के दिन के लिए अभी मैं यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे पीछे रखा हुआ है कुछ छोटे छोटे शीशी में मैंने एसेंस रखा है, ये देखिए एसेंस रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने रखा है फ्रेंड्स हाँ बटर है, मैं अपनी डॉटर के लिए ये देखिए मैं बटर लेकर आई थी तो यहाँ बटर रखा हुआ है, और जस्ट बटर के किनारे पे ये आप देख सकते हो एल्यूमिनियम फॉयल में रैप्ड है दो, ये क्या बोलती हूँ सैफरन है, हाँ ये सैफरन मैंने रखा है, कभी जैसे बिरयानी बनाना हो गया, जैसे खीर वगैरह बनाना हो गया तो जनरली यूज नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ रखी हूँ फ्रिज में, इसे मैं ऊपर यहाँ रख देती हूँ। तो अगर आप ना छोटी छोटी चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखोगे और हैबिचुअल रखोगे ना, तो आपका फ्रिज हमेशा सुंदर बना रहेगा, अच्छा भी लगता है देखने में। और ये देखिए ये थर्ड वाले में सेजवान चटनी है, ये कुछ वेनेगर है, ये सारे नूडल्स में यूज करने लायक सामान है। ये है फ्रेंड्स नीचे का, सबसे नीचे का ये आप देख सकते हो, ये आप बोलोगे कि ये क्या है, हाँ तो ये है दूध से जैसे पनीर निकलता है ना, तो मैं नींबू वगैरह यूज नहीं करती तो इसलिए मैंने ये रखा हुआ है, ये घर पे ही मैंने बनाया था, दूध आसानी से इसे कर्डल हो जाता है, फट जाता है, और इसमें पनीर आप आराम से निकाल सकते हो। ये ठंड के लिए गुलाब जल का शरबत मैंने रखा हुआ है, ये तो एज यूजुअल आप लोगों को पता ही है कि ये क्या है। और ये है कुछ टेट्रा पैक्स में आप देख सकते हो मेयो है, पीछे ये टोमेटो सॉस रखा हुआ है, और ये मेरी डॉटर का छोटू पिचकू रखा हुआ है। और अब बढ़ती हूँ फ्रंट डोर की तरफ, ये देखिए दोस्तों ये मेरा फ्रीजर है और मैं इसमें कुछ भी चीज नहीं रखती, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ा, इसमें सिर्फ एक चीज रखती हूँ जो मुझे लगता है मेरी डॉटर है कभी भी जरूरत पड़ सकता है, आप चाहे तो आइस बैग भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने रखा है, आप लोगों को दिखा दूं मैं, यहाँ पे मैंने रखा है ये टी बैग,
जी हाँ, ये टी बैग रखा है, कभी स्वेलिंग हो जाए या कभी भी कभी जरूरत पड़ जाए तो डॉटर है घर में मेरी, तो मुझे रखना पड़ता है ये। मैं यूज खाने के लिए नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ लगाने वगैरह पर्पस के लिए मैं कर लेती हूँ। तो मैं फ्रीजर में कुछ भी मैंने नहीं रखा, ये देखिए एकदम क्लीन है मेरा फ्रीजर, और ज्यादा मैं कुछ भी नहीं रखती, एक छोटा सा बस मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से रख दे रही हूँ बस। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आज मॉर्निंग में मैं लेकर आई थी, अभी तक मैंने बॉईल नहीं किया है, तो ये दूध का पैकेट है। यहाँ पे मैंने रखा है ये सिंघाड़ा फल आता है ना जो अभी इस सीजन में चल रहा है, तो मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इस तरीके से देखिए पील आउट करके मैंने रख दिया है ये सिंघाड़ा फल। आई थिंक आप लोग सब लोग फेमिलियर हो गए इससे। यहाँ पे मैंने रखा है, हाँ ये मेरा क्या है दोस्तों, लेफ्ट ओवर राइस है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये कल रात को बच गया था, राइस बच गया था, तो इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ रख दिया है राइस। और क्या है ना कि मैं कोई भी चीज अनकवर्ड नहीं रखती, और फ्रिज का लाइफ टाइम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कभी भी आप अपने कोई भी चीज को अनकवर्ड ना रखो। दूध हो, दूध को अगर आप स्टील में रखते हो, स्टील के बर्तन में रखते हो, तो उसे ढक के रखो। ये है जैसे लेफ्ट ओवर कोई भी चीज है, रोटी हो गया, आपका दाल हो गया, कोई भी सब्जी वगैरह, आप हमेशा कोशिश करो कि इसे ढक के रखने। और ये है आपका सेकंड वाले कैबिनेट में, आप देख सकते हो मैंने क्या क्या रखा है। ये देखिए, ये है पनीर जो अभी अभी आपको मैंने दिखाया, पनीर फाड़ा था मैंने, तो मैम इस तरीके से इस तरीके के कंटेनर में मैंने रख दिया है। यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड दोस्तों, हाँ ये है अदरक। अब आप बोलोगे कि अदरक मैं इसमें कैसे रखती हूँ, तो एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि जितने भी जब मैं सब्जी लेकर आती हूँ तो दो या तीन दिन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होना मुझे अदरक लहसुन और मिर्च इस तरीके से मैं रख देती हूँ, ठीक है। बहुत आसानी से ये देखिए स्टैक होके आप इसको रख सकते हो, स्टैक करके रख सकते हो। ये देखिए मिर्च तो तीन दिन के लिए मैं निकाल के रख देती हूँ, और बाद बाकी मैं नीचे रखती हूँ। और यहाँ पे है, हाँ ये है दोस्तों मलाई, जिससे कि घी निकलता है, तो मैं इसे इस तरीके के डब्बे पे मैंने रख दिया है। और देखिए 1 2 ये हो गया 3, एक सेकेंड ये हो गया आपका 4। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आप इसे स्टैक करके आराम से रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है ये देखिए, और जब चाहे तब आप निकाल भी सकते हो इसे। और यहाँ पे ये आप देख रहे हो चाय पत्ती मैंने रखा है, क्योंकि जनरली जब गेस्ट आते हैं तो ही हम दोनों में से कोई चाय नहीं पीता, इसलिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्रिज में रख दिया है। ये है पेपर माचे, मेरा क्राफ्ट वर्क का कुछ है दोस्तों, तो यहाँ मैंने फ्रिज में रखा हुआ है इसे। ये है चीज, ठीक है ये चीज है, ये भी जनरली यूज नहीं होता, मेरी डॉटर खाते रहती है, तो इसे भी मैंने ये देखिए इस तरीके के डब्बे में मैंने रख दिया है। मैं इसे ऊपर करके रख देती हूँ। ये है पिज्जा एंड पास्ता का सॉस रखा हुआ है दोस्तों। ये है हाँ ये है सूप, तो ये चिली सूप है, सूप का पाउडर रखा हुआ है यहाँ पे, इंस्टेंट सूप का पाउडर। और ये है कुछ मैगी मसाला, मैगी क्यूब्स, कभी अगर मुझे मान लीजिए पोहा वगैरह बनाना हो तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देती हूँ। तो ये तो था मेरा सेकंड कैबिनेट, और आप देख सकते हो इतना सारा सामान रखने के बाद भी स्टिल अभी इसमें जगह खाली है, तो आप आराम से अपने हिसाब से रख सकते हो कोई भी चीजें। ये बस मेरा एक तरीका था आप लोगों को शो करने का, रात में तो इसमें और ज्यादा सामान भर जाएगा। और मैं चलिए बढ़ती हूँ थर्ड की तरफ, तो यहाँ पे ये देखिए ये दो बास्केट मैंने परचेज किया था एक दो हफ्ते पहले ही। तो क्या मैंने रखा है मैं आप लोगों को आपको दिखाती हूँ। ये है, इसमें मैंने रखा है ये मैं आप लोगों को बता रही थी, ये लहसुन है, इसके पीछे मैंने अदरक रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने मिर्च रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मुझे इंस्टेंट अगर कभी जरूरत पड़ता है, तो मैंने आपको दिखाया दोस्तों मैं यहाँ पे डब्बे में रख देती हूँ, लेकिन 3 या 4 दिन के बाद फिर से मैं इसमें से निकालूंगी, पील करके मैं डब्बे में रख लूँ, तो आसानी होती है मुझे। ये कुछ मसाला है, और ये मैंने पाम जैगरी रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, गुड़, बंगाली गुड़ है ना, तो ये हर जगह नहीं मिलता है, तो मैं इसे स्टोर करके यहाँ रखी हूँ। और ये क्या होता है ना, बहुत ही हेल्दी होता है। और ये है आपका
खड़ी क्या बोलते हो इसे, फूल बोला जाता है ना, ये देखिए गरम मसाला, हाँ ये खड़ा मसाला है। देखिए कितने अच्छे तरीके से आप इसे यहाँ पे इस बास्केट में स्टोर करके रख सकते हो। उसी तरीके से एक और है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा है। ये सत्तू है, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि क्या होता है सत्तू, तो ये बंगाल ग्राम का पाउडर होता है दोस्तों। ये हर स्टेट में नहीं मिलता, यूपी बिहार में ही बेसिकली मिलता है, और आजकल मेरे ख्याल से मिलने लगा है हर जगह पे, मॉल वगैरह भी हो गया ना इसलिए। ये है डेसिकेटेड कोकोनट, कभी लड्डू वगैरह बनाना हो तो यहाँ पे देखिए आप आराम से इसे फिट कर सकते हो। बस अगर मैं ना ये बास्केट नहीं होता तो प्रॉब्लम होती रखने में, ये बहुत मुश्किल से इधर उधर फेंका पड़ता, तो ये बास्केट के कारण देखिए कितने आराम से ये यहाँ पे चला जा रहा है। और आप अभी इसके ऊपर भी देखिए सामान खाली बचा हुआ है, आप चाहे तो इसके ऊपर भी सामान कुछ भी रख सकते हो। चलिए दोस्तों अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इस बास्केट में मैंने क्या रखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं नॉर्मल प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं रखती, बिल्कुल भी नहीं रखती, क्योंकि मेरा 4 साल का ये एक्सपीरियंस है। मैं जब भी पहले पहले का ऐसा होता था कि वेजिटेबल लेकर आना और प्लास्टिक के सहित एज इट इज मैं यहाँ रख देती, अब वो काम बिल्कुल नहीं है। मैं आज आप लोगों को अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके का क्लिप है मेरे पास जो बहुत इजीली है, हर एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ये आपको पता है क्लॉथ क्लिप है, अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा नहीं लगाना तो एक और लॉकिंग टाइप का एक क्लिप आता है, आप आराम से उसको लगा सकते हो, जो आपको मॉल में या आजकल तो ग्रोसरी स्टोर में भी ये मिलने लगा, तो आप ले सकते हो उसे। और क्या है ये देखिए, ऐसा प्लास्टिक मैं यूज करती हूँ, ये आप बोल सकते हो इसे डिस्पोजेबल, लेकिन मैं इसे डिस्पोज नहीं करती, मैं इसे यूज कर ले रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर आप अपना वेजिटेबल्स रखते हो तो ये खराब भी नहीं होता दोस्तों, लेकिन अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक में रखोगे तो आप देखना बहुत जल्दी सड़ जाता है, फ्रिज के अंदर रखने के बावजूद भी सब्जियां गल जाती है उसमें। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस तरीके का सिल्वर फॉइल इसके अंदर दिया हुआ है, तो आप बेशक अगर आप लोग अभी तक नहीं यूज कर रहे हो तो मैं तो यही बोलूं कि यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट 1.5 वीक तक कुछ कुछ सब्जियां इसमें आराम से टिक जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ये तो जनरली खराब नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने देखिए बीट रूट रखा हुआ है, ये एक हो गया, ये मैं आई थिंक विशाल से मैं लेकर आई थी, तो इसका भी ये वर्जित प्लास्टिक होता है, तो आप इस तरीके का प्लास्टिक अगर आपके पास हो या मिले तो आप इसमें भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए शिमला मिर्च रखा हुआ है, ये देखिए शिमला मिर्च रखा हुआ है, और ये एक हफ्ता हो गया दोस्तों, अभी तक ये खराब नहीं हुआ है, ठीक है एक हफ्ता हो गया। ये मैंने देखिए यहाँ पे क्लॉथ क्लिप हटाया, ये कितना ईजी है इसे निकालना, और ये देखिए मैंने इसके अंदर क्या रखा है, ये हो गया, ये क्या है खीरा, तो इस तरीके से मैंने रख लिया है। यहाँ पे भी कुछ कुछ वेजिटेबल्स मैंने रखा है, ये जैसे मैं ओट्स लेकर आई थी मॉल से, तो ओट्स से क्या है आप मैंने इसे रख लिया है, और ये आराम से देखिए इसमें सब्जी ऑक्यूपाई करके रख सकते हैं आप। ये देखिए ये जिप लॉक बैग है, ये कितना अच्छा है, अब आप इसे निकाल सकते हो, और मैंने इसके अंदर टमेटो रखा है। मैं जल्दी जल्दी जरा सा आप लोगों को ब्राउज करके दिखा दूं कि मैंने क्या रखा है इसके अंदर। ये देखिए ये भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल लग रहा है, ये देखिए पुदीना, दोस्तों देखिए कितना फ्रेश है ये, जबकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत जल्दी कंज्यूम करना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी, लेकिन अगर आप लोग नहीं कंज्यूम कर पा रहे हो तो फाइनली आप इस तरीके के प्लास्टिक में रखना स्टार्ट कर दो आप लोग सब लोग। ये है कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर है देखिए दोस्तों, ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, ये ऐसे ही है देखिए, कुछ कोई अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। ये मैं आटा लेकर आई थी आशीर्वाद का आटा, तो क्या हुआ था कि इसका प्लास्टिक फेंकने में मुझे थोड़ा मोह लग रहा था, मैंने बोला इसका भी यूटिलाइज कर लूं, तो यहाँ रखा हुआ है ये देखिए ये कॉर्न है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के साथ मैंने छोटा छोटा टिप्स दिया है आप लोगों को, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, इसलिए मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोज डालने वाली हूँ, कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड, कुछ अपने जानकारी, कुछ मैं हाउसवाइफ हूँ, तो कुछ
कुछ इसी सबसे जो भी एक्सपीरियंस मेरा होता रहेगा मैं आप लोगों को बताती रहूंगी, आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।